तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं पहली बार खेलने वाला हूँ ग्रैनी का चैप्टर 2, और मुझे पता है मेरे फट्टी हुई देखने के लिए आप लोग भी बहुत उत्सुक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं। तो चलो, फाइनली पहला दिन हो चुका है और मेरी नींद भी पूरी हो चुकी है, और अभी हम उठे इस ग्रैनी के डरावने से घर में। तो चलो आप लोगों को मैं इस घर का एक टूर करवाता हूँ। तो भाई यहाँ पर गेम शुरू हो के बस एक मिनट भी नहीं हुआ है और ये अभी से मुझको मारने के लिए पीछे पड़ गए। देखो इस बुड्ढे को, हाथ में छड़ी और गले में चाबी, बहुत कम वॉचमैन ज़्यादा लग रहा है। हाँ, जा के अपनी ड्यूटी कर ले पहले। ओके गाइस, सो अभी मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुका हूँ। एकदम शांति से काम करेंगे, जरा भी आवाज़ नहीं करेंगे और चुपचाप से यहाँ से कट लेंगे। और ये दोनों बुड्ढा बुड्ढी ऊपर क्यों गए? देखो यहाँ पर भूख है और इसको खींचने से कुछ तो होता है, पर पहले तो हम आजू बाजू में थोड़ी छानबीन करेंगे। यहाँ पर बोट की है, इसका अभी तो कुछ यूज़ नहीं है। पहले तो इसमें बंकर बनाया है। ओ भाई, यहाँ पर बंकर वंकर भी है। फिलहाल ये सब जाने दो, ये तो सब फालतू की बात। गाइज, मेरी किडनी मेरे गले तक आके रह गई, मरते मरते बचा हो। हाँ जा बुड्ढे, तू भी अंदर आ जाए। कितनी कितनी गंदगी कर रखी यहाँ पर, पूरे बाथरूम का सत्यानाश कर दिया। तो चलो गाइज, फाइनली बुड्ढा जा चुका है। और ये कैसी आवाज़ है, गले में चाबी वावी अटक गई है क्या? ओह शिट गाइज, एक सेकंड से बच गया, नहीं तो अभी मेरी खोपड़ी खुल जाती। बट वैसे दरवाजे के पीछे है कौन, इतने जल्दी से धड़ाम करके अंदर आया? तू मिल मुझे सिर्फ, यहाँ पे पहले से ही मेरी 4x4 होके रखी और तू उसमें और नंबर बढ़ा रहा है। तो चलो गाइस, ऊपर वाले फ्लोर पे भी एक बार चेकआउट कर रहे, क्योंकि नीचे तो कुछ भी नहीं मिला, ऊपर वाले तो फ्लोर पे यहाँ पर तो कुछ तो काम का मिल सकता है। वो शीट लगता है दादी यारे, मैं यहाँ पर चुप जाता हूँ, प्लीज़ यहाँ पर मत आना। वैसे अभी तक आए तो नहीं, पहले मैं यहाँ पर सब चेक कर लेता हूँ फटाफट से और यहाँ से निकल लेते। कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। मैं इस कबर्ड में भी चेक करते, यहाँ पर भी कुछ नहीं, और एक बार चेक करेंगे, कोई नहीं आ रहा। इसमें भी चेक करते, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ। ओ शिट, दादा जी आगे, भाई भागना पड़ेगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ओके गाइस, मैं फिर से एक बार सेफली इस ऊपर वाले रूम में आ चुका हूँ और यहाँ पर भी ऐसे कुछ खास नहीं। वो क्रॉस बार है और ये पीस ऑफ पिक्चर है, कुछ तो नहीं यहाँ से बाहर। भाई इनकी किस जन्म की दुश्मनी है मेरे साथ, जिधर भी जाता हूँ फटाफट से उधर आ जाते हैं। इनको पता कैसे लगता है मैं इधर हूँ उधर हूँ। अरे क्या कैमरा लगा के रखे क्या घर में? कोई बुड्ढे ज़्यादा हंस मत, नहीं तो उसी चेन से तेरा गला घोट दूंगा। हाँ जा, तू भी आ जा, तेरी ही तो कमी थी, यहाँ पर तो मुफ्त के रसगुल्ले बट रहे। मैं भी यहाँ पर रसगुल्ले लेने के लिए बेड के नीचे छुपा हुआ हूँ। ओके गाइस, सो मुझे यहाँ पर एक पैडलॉक की मिल चुकी है, बट इसका यूज़ मुझे पता नहीं। और लगता है ये दादाजी का रूम है। गंदा तो बहुत है लेकिन बहुत बड़ा रूम है। और इस ड्रॉवर में देखते हैं, इसमें तो कुछ नहीं है। और यहाँ पर अरे भाई साहब, अपनी तो निकल पड़ी, स्टन गन मिल गई। अब आ जाओ ना सामने, कहाँ चुप के बैठे हो गाँव वालों? आ गई दादी, आहा कैसा लगा झटका बता, 440 वोल्ट का झटका। अरे यार वापिस आ जाना। शिट, दादाजी आगे, जाने दो, मैं बाद में ले लूँगा, पहले तो यहाँ पर जाके छुप जाते। चलो दादाजी, अब आप ब्रेक डांस करके दिखाओ। वाह दादाजी, तुम मस्त ब्रेक डांस करते। अभी चलो चाबी दे दो मुझको, जल्दी से ऊपर भी जाना है सिक्योरिटी रूम में। हाँ यही है वो की। अरे आ जाना हाथ में जल्दी। अच्छा चलो मिल गई। चलो हम सिक्योरिटी रूम के पास आ चुके, पहले तो इसका ताला खोलते और अंदर जाते और दरवाज़ा लगा लेते हैं। और यहाँ पर कुछ कैमरा भी है जिससे लगता है सारे घर का पता चलता है। ओके, ये एक अच्छी बात है अपने के लिए। पहले यहाँ पर तो ये डोर हैंडल है, इसका तो अभी कुछ यूज़ नहीं है। अभी हम पहले ऊपर जाते, ऊपर देखते कुछ काम का है या नहीं। यहाँ पर दो दरवाजे, यहाँ पर जाते और इन ड्रॉवर में देखते, इसमें कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें वेपन की मिल गई, हाँ कुछ तो अच्छा मिल गया। और यहाँ पर ये तो लॉक ही है लगता है। और चलो यहाँ पर तो इतना ही था, बाजू वाले रूम में देखते यहाँ पर क्या है। यहाँ पर तो ये हैंड व्हील है, इसका तो अभी कुछ यूज़ नहीं है। और ये भी दरवाज़ा बंद है, इसको जाने दो। पहले तो हम जाके नीचे से वेपन की लाएंगे, बट इन दादियों से तो पहले छुटकारा पाओ, जिधर जाओ उधर आ जाते। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। चलो कुछ देर के लिए तो दादी से छुटकारा मिल गया, पर ये दादा से छुटकारा कैसे पाओ? दादी जाए तो दादा आता है, दादा जाए तो दादी आती, कोई एक ना एक आएगा।
पर अभी बहुत हो गया, अभी मेरे पास वेपन की है और जिससे कि मुझे ये वेपन मिल चुका है। अभी आ जाओ दादी, आहा ये ले एक शॉट। अभी दादाजी किधर है, दादाजी को बुलाओ, दादाजी किधर हो, ये देखो आपकी दादी मर चुके। बात कर मेरे को जानता नहीं है। ओके गाइस, सो मैं फिर से एक बार ऊपर आ चुका क्योंकि मुझको वो डंडा चाहिए, क्योंकि उसी डंडे से कुछ बॉक्सेस ओपन रहते और उस बॉक्सेस में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। सो पहले तो मैं एक डंडा लेता हूँ, इसको क्या कहते हैं, क्रोबार। ओके इस क्रोबार को लेके हम जाएंगे और इस डिब्बे के अंदर देखते हैं क्या है, कुछ तो काम का मिले अंदर। ओके कटिंग प्लेयर है, बट इसका क्या करूँ, इसका तो मुझको अभी कोई भी यूज़ नहीं फिलहाल जाने। ओह शिट दादाजी कभी भी आ जाते हो। ओए वॉचमैन किधर है, बाहर आ जा तू। हाँ आ जा, बहुत मार रहा था कब से। अभी ये ले करंट ले ले और वापस एक बार तू भी आ जा। दादी तेरा भी बहुत हो गया, दोनों ने माथा खराब करके रखा है, मुझको जिधर जाता हूँ उधर मार देते हैं। ओके गाइस, सो अभी मैं एक एक करके सारे पीस ऑफ पेंटिंग वहाँ पर लगाने वाला हूँ क्योंकि मुझको उस दरवाजे के पीछे का राज जानना है। ओके सो मैंने यहाँ पर भी एक पीस ऑफ पेंटिंग देखी थी, हाँ यही है, इसको भी लेते और उसको भी ऊपर जाके लगा देते। ओके सो ये दूसरी भी पेंटिंग लग गई, अभी बस एक ही पेंटिंग चाहिए, बट वो कहाँ पर थी मुझको ये अच्छा याद आ गया यार। अरे पर ये दादा से तो पहले छुटकारा पाओ। अरे क्या प्रॉब्लम है, ज़रा 2 सेकेंड हुए ने, जल्दी से आ जाते हो। वैसे दादा कैमरे में किसको देख रहे है? समझ रहे हो ना गाइस, इस बुड्ढा और बुड्ढी को पहले तो मुझको मारना पड़ेगा, नहीं तो मेरा कोई भी काम मुझे करने नहीं देंगे। किधर गए, इधर ही तो था बुड्ढा। हाँ ये ले तू हो जा पहले, और मुझको पहले तो एमओ भर ले तो, क्योंकि दादी भी कभी भी आ सकते। अरे आ जाना भाई, और एक ले लेता हूँ। हाँ तो अभी दादी जी को भी मारते, फिर हम आराम से घर की छानबीन करेंगे। चलो दादी जी को ये देखो सामने से आ रहे, वाह। ओके गाइस, सो मैं शॉटगन लेके अभी ऊपर आ चुका हूँ क्योंकि मुझको उस बटन, हाँ ये बटन जो है ना, इस पर एक शॉट मारना है ताकि ये डोर ओपन हो जाए। पहले शॉटगन फेंक देते और इसके अंदर कुछ तो रहेगा। अच्छा इसके लिए मुझको लगता है कटिंग प्लायर लगेगा। ओके गाइस, सो मैं कटिंग प्लायर ले आया, अभी इसके चेन खोलते और यू भाई ये क्या है। ओ भाई मैं तो डर गया 2 सेकेंड के लिए। ये क्या क्या रखते दादी दादा, इनका कुछ भी भरोसा नहीं। और ओके गाइस, सो मुझे यहाँ पर बोट का स्टेयरिंग व्हील मिल चुका है। ओके गाइस, सो मैं स्टेयरिंग व्हील यहाँ पर लगा देता हूँ और मुझको इस बोट को चलाने के लिए एक स्पार्क प्लग और एक गैसोलीन कैन लगेगा, बट वो भी ढूंढ लेंगे। और यहाँ पर एक डब्बा, इसके लिए पैडलॉक की चाहिए। ओके सो पहले तो मुझको पैडलॉक की लानी। सच्ची में उस बुड्ढे में जरा सी भी अक्ल ने, उसको कैसा चकमा देके भाग गया, उसको ही है पता चल। सॉरी दादी, सॉरी, माफ कर दो। ओके गाइस, ये मेरा चौथा दिन है और इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं मरूंगा, पूरे ध्यान से खेलूंगा। पर इनसे तो पहला पीछा छुड़वा लो, जिधर जाओ उधर आते नहीं। ओके गाइस, सो ये लास्ट डे और इस बार कोई भी गलती नहीं होगी, पर इनसे तो पहले पीछा छुड़वा लूँ। अरे जिधर जाओ उधर आते, 2 मिनट के लिए सांस लेने भी नहीं देते, इनका क्या नाता है मेरे साथ। चलो वैसे बोट की तो मिल चुकी और इस पेंटिंग को भी अभी गिरना था। किधर से जाओ, इधर से नहीं, इधर से, चलो इधर से ही जाता हूँ जल्दी से। नहीं